इतने में आप लोगों को बहुत सारी अनुभूति हुई होगी। मन की चंचलता की अनुभूति हुई, अपनी असावधानी की अनुभूति हुई, इसी में मन में शिकायत भी हुआ होगा, खीज भी हुई होगी, कितने को लगा होगा कि कहाँ फंस रहे हैं। मैं लोगों के मन की बात बता रहा हूं। कई बार लोग भावुकता में पढ़ करके आ जाते हैं और जब कठिनाई महसूस होती है तो अपने आप को ही कोसते हैं कि कहाँ पड़ गए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो परिश्रम की आवश्यकता होती है। एक बच्चा 22 से 25 वर्ष तक पढ़ता है तो जीवन में कुछ करने लायक बन पाता है। और हम गहरी शांति की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या परिश्रम नहीं चाहिए? संसार में आप जहां तक दौड़ जाइए, जो भी उपलब्धि हासिल कर लीजिए, लेकिन उसमें सुख का आभास हो सकता है, सुख नहीं मिलता। उपलब्धि का आभास होता है लेकिन सही अर्थ में उपलब्धि नहीं मिल पाती। और दौड़ते दौड़ते जीवन भर दौड़ते हैं, अंततः खाली के खाली ही रह जाते हैं। कल कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बैठे थे, कुछ चर्चा हुई, यहां से 40-50 किलोमीटर दूर से आए थे। तो युवक ने कहा, कहे साहेब चित्त चंचल क्यों होता है, चित्त चंचल क्यों होता है? चित्त तो साहित्यिक शब्द है, सामान्य अर्थ में मन। मन चंचल क्यों होता है? तो मैंने कहा मन क्या है? मन क्या है और मन को चंचल किसने किया? सहज सी बातें हैं। मन की परिभाषा तो लगभग अधिकतम लोग कर ही सकते हैं कि मन क्या है। देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। क्या है? देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, किसी वृक्ष पर, पहाड़ पर पड़ता है और उसके अपोजिट साइड विपरीत दिशा में छाया बनती है, ठीक ऐसे ही चेतन जीव का ज्ञान प्रकाश जब विषयों में पड़ता है तो उसकी छाया, उसके संस्कार अंतःकरण में बनते हैं, उसी को मन कहा जाता है। वही मन है। मन अपने आप में कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है।
और इसी मन से आंदोलित होते हैं। लेकिन मैं कई बार ध्यान शिविर में इस चीज पर चर्चा करता हूं, मन का जो ये चर्चा हो रही है, मन के बारे में जो व्याख्या की जाती है, परिभाषा दी जाती है कि देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। लेकिन मन के दो रूप हैं। अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो मन के दो रूप समझ आते हैं, एक बाह्य मन और दूसरा अंतर्मन, जिसको चेतन मन और अवचेतन मन भी कहा जाता है, जिसको जागृत मन और अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है। तो अंतर्मन की परिभाषा भी दी गई, देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है, वो कौन सा मन है? अंतर्मन। और बाह्य मन या जागृत मन या चेतन मन वह मानसिक शक्ति है जिसके साक्षित्व में आप जागृत की क्रिया व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यदि आपकी मानसिक शक्ति उपलब्ध न हो, यदि आपका चेतन मन सजग न हो, तो आप मेरी बातों को नहीं सुन सकते, मुझे देखकर भी नहीं देख सकते। तो वह क्या है? वह मानसिक शक्ति, अगर हम चेतन मन को बाह्य मन को परिभाषित करें तो होगा वह मानसिक शक्ति जिसके साक्षित्व में हम जागृत के क्रिया व्यवहार करते हैं, जागृत के क्रिया व्यवहार करते हैं, वह है चेतन मन, जागृत मन, बाह्य मन। अलग अलग नामों से उसे कहा जाता है, कई नाम हैं उनके, लेकिन सामान्य ढंग से हम देहाती ढंग से कहें बाह्य मन। ज्यादा दार्शनिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में नहीं उलझना है, बाह्य मन। अंतर्मन और बाह्य मन, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है? एक सामान्य सी बात है, जैसे कि आप बर्फ का टुकड़ा पानी में डालें तो बर्फ का 90% हिस्सा पानी के अंदर चला जाता है और 10% हिस्सा ही बाहर रहता है। ठीक ऐसे ही हमारा अंतर्मन 90% है और बाह्य मन 10% है। जब हम स्थिर होकर के बैठते हैं, जब क्रिया व्यवहार कर रहे हैं, कुछ देखना सुनना, काम धंधा व्यवहार जो कुछ भी कर रहे हैं, तब हमारा जो चेतन मन है सजग रहता है। चेतन मन के साक्षित्व में हम कर रहे हैं, तब तक अंतर्मन दबा रहता है, अंतर्मन दबा रहता है। फिर जो विचार हैं, संस्कार हैं, वो उतना प्रभावित नहीं करते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे कि पाठ कर रहे हैं, पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन पाठ जो याद है वो निकल कहाँ से रहा है? अंतर्मन से। फिर बीच बीच में वो आपके और जो अंतरंग गड़े संस्कार हैं वो उठते हैं। कोई साधक, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, शुरू में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है, फोर व्हीलर चलाने के, और जब स्टेयरिंग पर बैठता है, वो स्टेयरिंग सीट पर बैठता है और जब स्टेयरिंग हाथ में पकड़ता है तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है, पूरी तरह सजग होता है, उसका अंतर्मन बिल्कुल दबा रहता है। और अचानक कोई आ जाए तो पूरी शक्ति वो झोंकता है। और कभी कभी वो कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है ना, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो जाती है, ब्रेक के जगह वो एक्सीलेटर पे पैर दबा देता है, पूरी सजगता रहती है उसकी, मतलब पूरा ताकत वो झोंकता है।
लेकिन वही जब सीख जाता है तब होता क्या है, बात करते हुए, कुछ सोचते हुए, कुछ गाना सुनते हुए वो सहजता से गाड़ी को कंट्रोल में करता है। तो वो यादें हो गई, उनके संस्कार में आ गए और इसीलिए दूसरी बातें उठ रही हैं, वो चला रहा है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, कोई क्रिया व्यवहार नहीं है, सजगता पूर्वक बैठने की बात होती है या कुछ आपको अभ्यास का साधन दिया जाता है अमुक पॉइंट पर या अमुक श्वास पर, अमुक चीज पर, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें या फिर साक्षी की साधना करें, तब जब आप शांत होते हैं, मन शांत हो गया, रिलैक्स होकर के आप अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब क्या होता है, चेतन मन जैसे जैसे शांत होने लगता है ना, अंतर मन के संस्कार उभरने लगते हैं। जो कुछ भी आपने देखा सुना है, जो कुछ भोगा हुआ है, जो कुछ संस्कार ग्रहण किया हुआ है, वही संस्कार फिर उठने लगते हैं। फिर आदमी आंदोलित होता है। बहुत लोगों को थकान महसूस हो रही होगी, इसलिए नहीं कि आप दो घंटा बैठ रहे हैं, बैठते तो हैं ही, अगर पिक्चर चलने लगे तो दो की जगह में चार घंटा बैठ लेंगे, नाच नौटंकी होने लगे तो सबको अनुभव है, सबका अनुभव है, थक लगती है क्या? नहीं लगती है, क्योंकि वहां मनोरंजन होता है, एकाग्रता वहां भी सधती है, अद्भुत बात है, एकाग्रता वहां भी सधती है। अगर एकाग्र नहीं होंगे तो उसका रस नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहां ध्यान की अवस्था में, ध्यान के पीरियड में जब आप बैठते हैं और सजग होकर के, तो पहली बात तो निरस्ता लगती है, क्या कहां पड़ गए। दूसरी बात क्या है कि मन में विचार उठते हैं, चेतन मन शांत हो रहा है ना, तो अंतर मन के संस्कार उठते हैं। तो जो कुछ भी किया धरा है आपने, जैसे कुछ संस्कार है आपका, पुराने से पुराने संस्कार, रागात्मक और देशात्मक संस्कार उठते हैं, तो इसमें दो बातें होती है, या तो आप उसी में रिझते हैं, आनंद लेते हैं, कोई रागात्मक विचार आ गए तो उसमें आनंद लेंगे, कोई द्वेषात्मक विचार आ गए तो उसमें भी आनंद लेंगे। कैसे? किसी ने आपको गाली दी, ये संस्कार है, वो याद आ गई, तो उसी पर आप और पुनर्विचार करते हैं और मन ही मन उसे गाली भी देते हैं या प्लानिंग करते हैं। कोई रागात्मक आपसे क्रिया हुई है, किसी से रागात्मक अनुबंध है, उसको याद करके आप रस लेते हैं। ये दोनों तरह से बात होती है, या तो रस लेते हैं, डूबते हैं, या तो उबते हैं, कितने लोग खींचते हैं, ये क्या क्यों आता है। अब ये जो आप खींच रहे हैं ना, वह भी आपको विचलित कर रहा है, वही थकाता है आपको। जो विचार उठ रहे हैं आप नहीं चाहते वो आए, लेकिन आता है। इस संदर्भ में एक संस्मरण कहा करता हूँ, घटना कहा करता हूँ। एक बहन थी, वो ध्यान शिविर में आई थी, एक ध्यान शिविर का आयोजन था, वहाँ आई थी। तो एक
प्रयोग होता है, पूर्व जन्म में ले जाने का, मतलब यह पुरानी बातों याद करने का, आप ज्यादा उसमें मत पड़िए। तो धीरे 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 बेक ले जाने का, जिसको आज की भाषा में सम्मोहन कहा जाता है, हिप्नोटिज्म। तो इसको किया गया, तो वो बहन रही, तो वो प्रयोग, वो कहती है कि मैं अपने पूर्व जन्म को जानना चाहती हूँ। ध्यान कराने वाले ने कहा कि इसी जीवन में इतनी सारी बातें हैं, इतने संस्कार है, इसी में उलझ रहे हो, अब पूर्व जन्म में जाकर क्या करोगे? तो बहुत जिद करे कि नहीं। तो फिर कहा गया कि अगर पूर्व जन्म में चले गए, संस्कार याद आए, तो भूलना कठिन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं जानना चाहूंगी। प्रयोग कराएगा और वो बेक गई धीरे धीरे धीरे। अब इस चीज को तो हम जैसे कि सहज साधना करते हैं, तो ये सब प्रपंच में उलझाते नहीं हैं और उचित भी नहीं है, लेकिन कई जगह है। पूर्व जन्म के पुनर्जन्म वाली जो घटनाएं कई जगह देखते होंगे, सुनते ही होंगे आप, तो उनको प्रयोग कराया गया, कहा कि इस ढंग से प्रयोग करिए। और धीरे 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 एक हीलिंग कराया गया, फिर धीरे 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 बेक होने लगे, और उनको फिर लगा वो वर्तमान में अच्छे स्टेटस की, स्टेटस वाली महिला थी, एक सम्मानित, अपने आप को सती सावित्री मानने वाली, और थी भी। जब वो बेक जीवन में गई वो, तो उसको क्या महसूस हुआ कि मैं पिछले जन्म में वेश्या थी। इतना उलझी वो, इतना परेशान हुई, इतनी दुखी हुई वो। अब जो जो बात याद आ गई, उसी को लेकर के वो इतना घुलने लगी, तो फिर वो ध्यान कराने वाले के पास में जा करके कहती है कि भगवान, इससे मुझे निजात पाना है, इससे मुझे ऊपर उठना है, इसे छोड़ना है, मैं भूलना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि अभी तक तो मैं तो कह ही रहा था कि सब याद ना करो, अब याद करने का तो साधन था, भूलने का कोई साधन नहीं। ये तो वो घटना हुई। हम इसी जीवन में जो कुछ भी किए हैं, अच्छे और बुरे, वो संस्कार हैं, और उन्हीं संस्कारों का उठना, उन्हीं संस्कारों का चलना मन का विचलन है, मन की चंचलता है। और जब ये उठते हैं ना, मैं कहा इस मेथड को समझे रहिए, जब आप स्थिर होकर के बैठते हैं, सहज और शांत होकर के बैठते हैं, और बाह्य मन जब शांत होता है, मतलब आप बाहर से सोचना बंद करते हैं, बाहर से सोचना बंद किए, या इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों से देखना बंद किए, इंद्रियों का व्यवहार बंद किए, तब अंतर मन का जो संस्कार है वो उठता है। ध्यान में इंद्रियों को बंद करके रखने की बात आती है, आंख बंद करके रखिए। वैसे उपनिषद में इस चीज को बहुत बढ़िया कहा गया है, नानत पश्यत नानत श्रोणोति नानत विजाना सब हुआ। जब हम बाहर नहीं देखते हैं, अन्य कुछ नहीं देखते हैं, अन्य कुछ नहीं सुनते हैं, अन्य कुछ नहीं जानते हैं, तो वो भूमा की स्थिति होती है, वो आत्मा की स्थिति होती है। ये बड़ी और ये साधना की ऊंचाई गहरी की बात है। लेकिन जब हमारा बाह्य मन, जब हम विचारना सोचना बंद कर देते हैं बाहर से,
तब अंतर मन का जो संस्कार है वो उठता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही चीज को आपको रोज करना है, यही चीज आने वाला है। तब जब वो विचार उठने लगते हैं तब आपके अंदर आंदोलन खड़ा होता है। वैसे तो होता क्या है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसमें बह गए, पता नहीं चलता है। और अगर कहीं नहीं बह रहे हैं तो खींचते हैं, क्यों आया ऐसे, मैं अपने आप को भगत मानता हूं, कैसे बेकार की बातें आ गई, कैसे संस्कार उठ गए, हो सकता है। लेकिन यहां कहा जाता है कि जो है सो सजग हो जाइए, बस विचार उठ रहे हैं उठने दीजिए। जितनी सजगता बढ़ेगी उतना ही दो विचारों के बीच डिस्टेंस है, फासला है, वो बढ़ता जाएगा। होता क्या है जब विचार उठते हैं, खैर ये तो साक्षी भाव पर ही मैं बोल रहा हूं, जब विचार उठते हैं, उठते हैं और उस पर हम सोचते हैं, जैसे कि कोई अच्छी बातें मुझे याद आई और उस पर मैं किसी के साथ में मेरे रागात्मक अनुबंध हैं या कुछ मैंने अच्छा जाना या सुना है तो उसके बारे में सोचने, उसके बारे में याद आई और आई तो मैं सोचने लगा, जैसे सोचने लगा उधर मन बहा और ये प्रवाह चलता है। फिर 5 मिनट 10 मिनट जब मैं बहता हूँ और उस उधर मन बहने लगा तब क्या होगा, वो पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ध्यान का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन जब खींचना होता है ना तो थकावट होती है। जब किसी चीज के लिए आप अपने आप को संकुचित करते हो, कितने लोगों को देखे ना एकदम जो माथे की एकदम सिकुड़न होती है, आप क्या कर रहे हैं। ऐसा आदमी बहुत जल्दी थकने वाला है। आप अपने शरीर को ढीला छोड़िए, सहज हो जाइए, मन को भी ढीला छोड़ दीजिए, बस देखिए जो होता है, देखिए इतनी मौज की स्थिति आएगी, इतना अच्छा लगेगा। जिन विचारों में, जिन संस्कारों को लेकर के आप आंदोलित होते थे, विचलित होते थे, अगर उसे देख सकेंगे सजगता पूर्वक तो लगेगा कि क्या है? इसी में मैं बह रहा था। अब मैं लगता है कि जितने भी महापुरुष ध्यान करते रहे हैं, तो जैसे कि बुद्ध की मूर्ति देखिए, बुद्ध का जो फोटो देखिए और भी कई संतों का फोटो देखिए, जब ध्यान की अवस्था में बैठे हैं तो एकदम प्रसन्न चित्त, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर रहती है। तो बिल्कुल देखते हैं विचारों को अलग। अपने में सहज हैं, अगर आ जाता है तो हंसी भी आती है। इन्हीं चीजों में मैं बहता हूं, इन्हीं में उलझता हूं। अगर तटस्थता की स्थिति सध सके तो जब उलझते हैं, खींचते हैं तो थकते हैं। तो जब भी ध्यान में बैठें, आप अपने आप को संकोचित मत करिए, अपने आप को खींचिए मत। एक मैं मनोविज्ञान संबंधी लेख पढ़ रहा था तो उसमें एक बात आई, जैसे कि कहीं पीड़ा हो रही है तो पीड़ा हो रही है उसको हम एक किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उसको हम सोच करके बढ़ाते हैं, सोच करके बढ़ाते हैं। और जितना हम सोचते हैं, जितना हम बढ़ा रहे हैं, वास्तव में उतना है नहीं। आप लोग सब किसान घर के हैं, आपको पता होगा जब कभी धान काटने जाते हैं, अगर कहीं उंगली वगैरह कुछ कट गई और ध्यान नहीं दिए, कुछ पता चलता है, सही बात है। और जब अगर पता चल गया, मैं एक बार गया था जब जन्मभूमि में था,
तो घर के सदस्य लोग रहे, मजदूर थे, नौकर थे, वो लोग सब काट रहे थे, मैं भी साथ में था, मैं भी काट रहा था। तो एक का एक की उंगली जो नीचे वाली उंगली है ये कट गई, और एक मतलब कंपटीशन में धान कठिन कर रहे थे, पता ही नहीं था, इतना जोर से काट रहे थे। अब जब उसके हाथ कट गया, उंगली कट गई और खून गिरने लगा, तो दूसरे ने बताया, अरे आपकी उंगली कट गई। अब ये कटने के बाद खून गिर रहा था, 2-3 मिनट बीत गया था, उनको कोई पता ही नहीं था। और जैसे कहे कि खून गिर रहा है, उंगली कट गई, तो फिर वो उसको चक्कर आने लगा। अद्भुत बात, कटी तो पहले है, लेकिन समझ जब उनको याद आई तो देखा तो उसको फैला लिया, चक्कर आने लायक नहीं था लेकिन चक्कर आ गया। ठीक ऐसे ही हम अपने दुखों को फैलाते हैं, तब जब सजग होकर के हम बैठते हैं और देखने लगे विचारों को, न खींचेंगे नहीं, खींचे मतलब हम अपने दुख को फैलाएंगे। सहज होकर के आप देखते रहिए, स्वीकार भाव लेकर के। अब ये सजगता पर नेक्स्ट टाइम कहेंगे कि है क्या चीज। तो बात आई कि जो कुछ भी आप के अंदर है संस्कार, जो कुछ भी आपने हमने देखा सुना जाना है, वही संस्कार उठ रहे हैं, और उसी को सजगता से देखना, तटस्थता पूर्वक देखना, ये ध्यान की प्रक्रिया है। जब हम अभी तो आप एकाग्रता की अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास भी इसीलिए है कि आप तटस्थ होकर के देख सकें। जो लोग नए साधक हैं उनको पता होगा कि कितने समय तक श्वास को देख पा रहे हैं, देखने लगते हैं कुछ क्षण में वो मन भाग जाता है, मन चंचल हो जाता है, मन में विचार आने लगते हैं, और कई बार तो होता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसी में बह जाते हैं। लेकिन जितनी जितनी एकाग्रता सती जाएगी, जितनी जितनी मानसिक एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना उतना हम एक बिंदु पर, एक आधार पर, एक ध्येय पर अपने आप को टिका सकेंगे। और ये स्थिति बढ़ती जाएगी ना, तब केवल मन को अगर हम देखना चाहें, केवल विचारों के साक्षी होना चाहें, तो भी हो सकते हैं। और जब तक एकाग्रता की स्थिति नहीं सधेगी, संभव ही नहीं है कि हम विचारों को देख सकें, मनोदृष्टा हो सके। अब एक दूसरी बात होती है, जैसे कि सिर झुकाने वाली नींद वाली बात, माफ करना, बहुत सारे साधक बंधु, साधक साधिकाएं हैं, अब इन लोगों थोड़ा से जल्दी से वो निद्रा देवी आ जाती है। अभी केवल असावधानी है, केवल असावधानी, कभी कुछ हो गया, कभी नींद आ गई, कभी झपकी आ गई, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बराबर आप झुक रहे हैं, बराबर आप तंद्रा में चले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इससे बेटर है आप वो न करिए, ध्यान में मत बैठिए, कुछ सेवा कर लीजिए। नींद क्यों आती है, इस पर थोड़े बताएं। नींद आने के 2-3 कारण हम ये कह सकते हैं। पहली बात, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप रात्रि में ठीक से नहीं सो पाए हैं। दूसरी बात है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तीसरी बात है, आपका पेट खराब है। ठीक है, और चौथी बात है, आप असावधान हैं। अब ये होगा कि ज़्यादा खा लेने से भी नींद आती है, अब जितना जलपान करना चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा किए हैं, तो नींद तो आएगी। पेट
पेट में कब्ज है तो भी नींद आती है। अब ये कारण क्या है आप एनालिसिस कीजिए। आप 10 साल 15 साल 20 साल से भी ध्यान कर रहे हैं और वही वो ढर्रा वो चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। ध्यान है पूरी सजगता, ध्यान पूरी सजगता की अवस्था है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पूरी सजग होकर के आप अपने विचारों को देख सकते हैं, देख सकें, सजग होकर के आप श्वास को देख सकें, सजग होकर के कहीं भी एकाग्र हो सकें। अगर कहीं सजग नहीं है तो आप कैसे एकाग्र हो सकते हैं? सजग नहीं है तो तटस्थ कैसे हो सकते हैं? सजग नहीं है तो दृष्टा कैसे हो सकते हैं? और क्या खामी है, क्या मिस्टेक है, ये पांच कारण मैं बताया, वो खुद आप समझिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए, 7 दिन की ये ध्यान शिविर में आए हैं और 7 दिन में अगर उस चीज को नहीं समझ पाए और दूर नहीं कर पाए तो लिख करके ले लीजिए कि आप जीवन में कभी भी उसे दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी सजगता रखिए, आप समझिए, आपके साक्षी आप स्वयं हैं, आपके दिल दिमाग को समझने वाले आप स्वयं हैं। आप जितना अपने आप को समझते हैं कोई दूसरा नहीं समझ सकता। कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बीमारी होती है ना, जितना आप समझते हैं डॉक्टर नहीं समझ पाएगा और आपको दूसरा कौन बताएगा। इसलिए सजग होकर के वो ध्यान के लिए जो हम बैठे हैं तो सजग होकर के वो करते चले। जो जीवन का लक्ष्य है, 2-3 बातें आई, ना तो खींचना है और ना रिझना है और ना ही सोना है, ये तीनों पर मैंने चर्चा की। ना तो रिझना है, विचार आए बह गए, ये भी गलत है, खींच रहे हो यह भी गलत है। अरे जो है अस्तित्व पर छोड़ो। हाँ देखिए, जितना देखने की, देखना मतलब तटस्थ हो करके, विटनेस इंग्लिश में कहते हैं, विटनेस, देखिए आप, जहां देखने की स्थिति आएगी विचार शून्य अवस्था हो जाएगी, विचार शांत हो जाएंगे। अभी तो ये नहीं कर रहे हैं, केवल आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास को देखते चलिए, विचार आ जाए कोई बात नहीं, फिर सजग हो जाइए। और एक संकल्प के साथ, ध्यान के लिए संकल्प बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा आधार है। यदि आप बैठे और संकल्प पूर्वक, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, 6 वर्ष तक घोर तपस्या किए, घोर शरीर को एकदम क्रिस्काय बना दिए, अस्थि पिंजर दिखने लगा, लेकिन सुजाता की खीर वाली जो वो घटना है, वो नदी में पानी भरने के लिए गए थे और इतना मतलब निर्बल हो चुके थे कि छोटी सी हंडी है उसमें पानी भर करके हाथ से उठाकर नहीं ला सकते थे, तो उसमें रस्सी फंसा करके, गला में फंसा करके चल रहे थे, निकल रहे थे, कमर तक पानी में जाते, पानी भर गया, उसके बाद में निकल करके आ रहे थे। जैसे ऊपर निकले गिर गए, बेहोश हो गए। सुजाता नाम की एक युवती थी, आज ही जैसे कि वृक्ष चैत्र के पूजा नहीं होती है, पहले भी होती थी, तो वो खीर बना करके वन देवता की पूजा करने के लिए आई थी, तो देखा कि एक साधु गिरा हुआ है, तो उसके पास में आ करके उसके मुंह पर पानी का छींटा मारती है, देखती है कि इनमें जीवन है कि नहीं, लगा कि जीवन है, तो उसको खीर बना के लाई थी, उन्हीं को दे दी,
उनको लगा कि यही वास्तव में वन देवता है। खीर खाए, खुश चेतना आई, उसके बाद फिर वो सोचने लगे, जिस तपस्या से, जिस साधना से मैं अपने शरीर को ही नहीं चला सकता, एक नदी को पार नहीं कर सकता, तो इससे भवसागर पार कैसे करूंगा, इससे मैं मन से पार कैसे जाऊंगा। फिर वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प के साथ कि मुझे वह बोध, वह ज्ञान उपलब्ध होना है। तो जैसे आप संकल्प के साथ बैठते हैं कि नहीं, मुझे मन के विचारों में नहीं बनना है, मुझे तंद्रा में नहीं जाना है, आप जैसे ही ये संकल्प लेते हैं, आपके अंदर के सत्व जागृत होता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है और वो आपको जो दिशा में आप जाना चाहते हैं उधर के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, कुछ देर हम सब बैठे संकल्प के साथ